थाना धामपुर परिसर में होली व आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान होली आपसी सौहार्द के साथ मनाए जाने की अपील। जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर के थाना धामपुर परिसर में होली व आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप जिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी ने बताया, होनी चाहिए क्योंकि आप उस दिन कोई उत्पात मचा देगा या कोई घटना आप उस दिन कर देंगे, लेकिन आप समाज के लिए या आगे के लिए जो एक मैसेज क्रिएट करेंगे वो मैसेज बहुत गलत होगा। वो कहीं ना कहीं ना केवल हमें प्रभावित करेगा बल्कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा। एक आप सब लोगों से अनुरोध रहेगा, अभी यहाँ पर अभी अपने विचार भी रखे गए, तो उस दौरान जितने भी समिति जो आपकी गठित होती है उस समिति के जितने भी अध्यक्ष या पदाधिकारी जितने सदस्य जो आपके होते हैं उस दिन सभी जिम्मेदार व्यक्ति आगे रहे। ऐसा ना हो कि उस दिन वो लोग कुछ घटना हो जाए तो फिर वो लोग मिलते नहीं है मौके पर, सबसे पहले वो गायब हो जाते हैं। और बच्चों पर जो नियंत्रण रखने की बात की गई थी इसके लिए मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करूंगी क्योंकि युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी में आप लोग सभी लोग उस दौर से गुजरे हैं, तो आप लोग समझते होंगे कि जब एक रंग गिर जाता है या कोई घटना घटित हो जाती है तो उस समय बच्चे उत्साह में कुछ ज्यादा ही अति उत्साहित हो जाते हैं, किसी घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं। बच्चे हमारे हैं, आपके हैं, उन्हें समझाना हमारा और आपका ही कर्तव्य है, किसी और का नहीं। कोई उन्हें बाहर से समझाने के लिए नहीं आएगा क्योंकि किसी के खिलाफ कोई 107-16 हो जाए या कोई भी एक मुकदमा लिखा जाए, आप ये समझिए कि उस बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है, वो किसी भी सरकारी नौकरी को नहीं कर पाता। आप खुद ही समझिएगा कि अगर किसी बच्चे की पुलिस वेरिफिकेशन में कितनी समस्याएं आएंगी, कोई सरकारी नौकरी से वो बच्चा वंचित हो जाएगा, तो क्यों हम अपने पीढ़ियों के सामने ऐसे आदर्श स्थापित करें? हम ऐसे आदर्श स्थापित करें कि लोग एक एग्जाम्पल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में धामपुर को देखें कि धामपुर में होली मनाई जाती है और इतने दिनों तक होली मनाई जाती है, इतने उत्साह के साथ मनाई जाती है कि समाज के सभी वर्ग शामिल होते हैं। और एक अनुरोध आपसे सबसे है, ये तो अभी किशन अवतार जी ने अपनी बात कही थी हमारे, कि आप इनकी वर्दी को बचाइएगा। देखिए हमारे त्योहार आपके साथ होते हैं, हमें कोई अलग से कभी छुट्टियां नहीं मिलती, विशेषकर जब होली दिवाली कोई त्यौहार होते हैं तो उस समय तो छुट्टियां और कैंसिल हो जाती हैं कि अब तो आप ऐसे भी नहीं जा पाएंगे, 24 घंटे पुलिस आपकी ड्यूटी में, आपकी सुरक्षा में खड़ी रहती है। तो ऐसे में उनका सम्मान करना, उनकी यूनिफॉर्म का सम्मान करना, ये आपका भी कर्तव्य बन जाता है। और दूसरा ये कि त्यौहार मनाइए, आपके खुशियों में हम शामिल होंगे, हमारी खुशियों में आप शामिल होंगे। और धामपुर के लिए हम एक ऐसा सटीक मैसेज, एक उदाहरण दें कि सब लोग याद रखें कि धामपुर में एक अच्छी होली मनाई जाती है। और आगामी त्योहारों के लिए मेरी तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप सब लोग आए, इस मीटिंग में शामिल हुए, उसके लिए भी धन्यवाद। अगर आप लोगों की कोई भी बात है तो आप वो हमारे सामने रख सकते हैं, यहाँ पर चेयरमैन साहब भी हैं, नगर पालिका से भी हैं। मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करूंगी कि आप लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा इस दौरान, क्योंकि त्योहार है, पर्व का समय है, इस समय अच्छा लगेगा क्योंकि कोई त्यौहार साफ सफाई में मनाया जाता है तो और अच्छा लगता है। इसी के साथ कोई भी बात हो आप अपनी बात रख सकते हैं, धन्यवाद। धामपुर नगर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह सहित उप जिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी, पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर सर्वम सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक किशन अवतार, अपराध निरीक्षक अता मोहम्मद, कस्बा प्रभारी हरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट।